से हम घाटे में चले जाते हैं। आज से आप ये ध्यान रखो कि हमेशा सूर्य उदय होने से एक घंटे पहले सुबह उठ जाना चाहिए। बड़ों को नमस्कार करो, प्रणाम करो, धरती माँ को प्रणाम करो, हो सके तो आधे घंटे तक भगवान के नाम का राम राम कहते रहो, कोई मिले उसको राम राम कहो, ये बात व्यवहार में लेके आओ। जिन लोगों को मान लीजिए, कितने लोगों ने सपना देख लिया, ये बहन बेटियों में ज्यादा ही बात है, सपना देख लेती हैं, आना परछाई तो दिखाई नहीं दी पर ऐसे लगा कोई था। ऐसे बहुत बहनें कहती हैं, हर बार कहती हैं, फोन भी करती रहती। इसका कारण क्या है कि तुम लोगों ने अपने मन के अंदर कोई शंका समझ रखी है, अपने हृदय को भगवान के नाम से कूट कूट के भर लो, ठोक ठोक के भर लो, भगवान के नाम के अलावा कोई चीज नहीं होनी चाहिए। और भगवान को आप इस तरह से समझें, अयोध्या में एक राजा थे नैमी, उनके कई सारी पत्नियां थी। अक्सर अयोध्या का इतिहास है कि 101 रानियां भी राजा रघु के पास थी, तो नैमी के पास भी कई सारी रानियां थी। भोग विलास में इतने उन्मत्त थे, मदमस्त थे कि ध्यान भजन वगैरह कुछ नहीं, अच्छा खाना, अच्छा पीना, सब में रहना, सोना, मनमाना खाना, ऐसा था। कुछ समय के बाद राजा नैमी को शरीर में व्याधि हो गई, बीमारी लग गई, और बीमारी ऐसी लग गई कि मन में इतनी बेचैनी सी हो गई कि किसी प्रकार से चैन ना पड़े। अब वैद्य बुला लिए, राज वैद्य बुला लिए, बड़े बड़े वैद्य बुला लिए, खूब चेकअप करवाया, देखा वाला कुछ नहीं आया। समझ एक वैद्य ने पहचान किया, उस वैद्य ने कहा कि इनको 6 प्रकार का चंदन घिसवाकर लेप किया जाए, घिसवाकर, और चंदन भी हाथ का पिसा हो सिलोटिया पर, जैसा आप लोग ने घर की हल्दी मिर्च मसाले सिलोटिया पे पिसे अच्छे लगते हैं, तो दवाई भी सिल्की पिसी हुई ज्यादा काम करती है। अब उनको उनकी सेवा में जो पत्नियां थी, जो रानियां थी, सेवा में लग गई सब। अब रानियों के पास आभूषण बहुत था, तो सेवा में लगे, 4-5 लग गई पीसने के लिए, तो इस तरह से कर रहे, तो सुनी बोलते बोलते हॉल पूरा घर ही उठा ले। अरे भली सेवा हो गई, तो ये तो बड़ा दिमाग में खराबी हो गई, तो राजा को और परेशानी होने लगी। अब दवाई पीसने के लिए उनसे कहा गया कि भाई आवाज ना हो, तो उन्होंने अपने दस्तबंद उतारे, जो भी गहना पहन रही थी, कानों में झुमकी पहन रही थी, या चूड़ियां ज्यादा आवाज कर रही थी, ऐसे घिसती थी ना दवा पत्थर पे। एक दिन जो उनमें मुख्य रानी थी, उसने कहा, सुनो सब बहनें सारी चूड़ियां उतार दो, एक एक चूड़ी रखो। अब उन्होंने क्या किया, सब बहनें पीसने लग गई चंदन को, और सब चूड़ी उतार दी, एक एक चूड़ी पहन रखी। जैसे पीस करके चंदन आ गया, दवाई लगा दी गई, राजा देख रहे थे कि जब चंदन पिसता तो आवाज होती है, बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन जैसे पिसके आ गया तो राजा ने पूछा, क्यों भाई आज आज दवाई नहीं पिसी क्या, चंदन नहीं पिसा क्या? तो मुख्य रानी कहने लगी, बोले क्यों, आपको क्या लगा, दवाई हम लगा तो तैयार है, पिस गया। उस समय मिक्सी वगैरह नहीं थी, हाथ से पिसने का जिक्र था। बोले आज, बोले फिर आवाज कैसे नहीं हुई आज, आज मुझे जो मैं डर रहा था जिससे का अशांति, कभी कभी तुमने देखा कि आपके सिर में दर्द है, कोई तुमसे बात करना चाह रहा हो तो गलत लगता, फोन आ जाता, इसका फोन और आ गया, होता है ऐसा कभी कभी, सब लोगों ने देखा होगा कि किसी से बात करने का मन भी नहीं होता। तो राजा जब दवाई पिछली लगने आई, उसने कहा आज आवाज तो बिल्कुल नहीं, आज बड़ी शांति मिली है,
बोले आराम से दवाई पिस गई है? बोले हाँ, हमने केवल एक एक चूड़ी पहन रखी, इसलिए चूड़ी आवाज नहीं करती। अब देखिए, एक चूड़ी होने पर काम भी पूरा हो गया, दवाई भी घिस गई, राजा को भी परेशानी नहीं हुई, राजा का विवेक जागृत हुआ। राजगुरु को बुलाया, गुरुजी आ गए, गुरुजी से बताई सब घटना। बोले गुरुजी आज तो मुझे बड़ा सुकून है, और उसकी वजह यह है कि आज आवाज नहीं हुई। गुरुजी को पता चला कि सबने एक एक चूड़ियां पहन रखी है, बाकी नहीं पहन रखी सब रानियों ने। राजा गुरुजी को सहज में ही समझाने का अवसर मिल गया। बोले सुनो, यही तो दशा है हमारी। बोले हमने अपने चित्त में, अपने अंतःकरण में दस दस बारह बारह नाम कई कई जगह की बोल गतें कर रखी हैं, हमें शांति कैसे मिले? जिस प्रकार से एक एक चूड़ी होने पर आवाज नहीं हुई, आपको शांति मिली, काम हो गया, ऐसे ही भगवान, एक भगवान को एक रूप में, उस भगवान को एक रूप में पूजो, सर्वशक्तिमान परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप के रूप में जैसे भी समझो, एक रूप में पूजिए तो आपको एकांत में शांति मिलेगी। और आप बहुत सारे रूपों में रखेंगे, मैं कई जगह गया, देवालय बना रखा, पूजा स्थली बना रखी है, तमाम देवताओं के चित्र भी रखे हैं, गुरु जी का बीच में रखा है, चलो इतना बड़ा दरबार बना रखा है। अरे भाई, सब में एक, केवल एक पर फोकस डालो, बहुत मत लगाओ, क्योंकि अभी हमारी हमारी जो सुरती है, हमारा निश्चय संशयात्मक है, निश्चयात्मक काम वाले तो एक ही काफी है। यही दशा हमारी हो गई है। 25 साल पहले श्रीनी बाबा का, साईं बाबा का बहुत क्रेज होता, 20-15 साल पहले बालाजी का बहुत क्रेज चल रहा था, 10-12 साल पहले शनि बाबा का बहुत हो गया, शनिदेव का, और अब 1.5 साल से खाटू श्याम का हो गया है। सबके घरों में सब मूर्त रखी हुई हैं, ज्यादातर अधिकतर लोगों, क्या स्थिति हो गई है हमारे अंतःकरण की, हमारे हृदय की, हमारे लक्ष्य की, हमारे सिद्धांत की? क्या ऐसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? भगवान तो एक ही था, है और रहेगा। जिस प्रकार से टूटा हुआ आईना, शीशा, और उसमें अपना तुम चेहरा देखने लगो, उसके चार हिस्से हो, पांच हिस्से हो, तुम्हें अपना फोटो नहीं दिखेगा। और जब आप एक बिल्कुल एक सार समतल एक ही शीशा होगा और सामने लेके आओगे, तो आपको अपना पूरा शीशा दिखने लगेगा, पूरा चेहरा दिखने लगेगा उस शीशे में। ऐसे ही हमारा चित्रूपी आईना शीशा टूट चुका है, कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां। भगवान ने गीता में कहा है, अर्जुन जो निरंतर एक ही भाव से मुझ सच्चिदानंद का निरंतर स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, वो ही मेरे धाम को जाता है। स्पष्ट बात कही है, है? लेकिन हम नाना प्रकार से, और ये जब तक नाना रूप में अनेकता में एकता जब तक नहीं आ जाती है, तब तक हमारी भक्ति शुरू नहीं हुई है। उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जैसा कि आप अब नवदुर्गे चल रहे हैं, कितनी बहनें नवदुर्गे का व्रत कर रही हैं, हाथ उठाओ, जरा उठाओ, अच्छी बात है नवदुर्गे का व्रत करना, और उठाओ, बस चलो। देखिए, नवदुर्गों का व्रत हमारे अंदर बहुत विकार है। व्रत का मतलब है किसी भी गलत आदत को हमेशा के लिए छोड़ देना। व्रत, फर्ज करो हमें गाली देने की आदत है, आज से हम व्रत करते हैं नहीं देंगे गाली। कितनी बहनें गुटखा खाती हैं, भाई तो खाते खाते हैं, बहनें भी बहुत खाती हैं, भाई भी खाते हैं, और कितने लोग इनमें, इनके जेबों में निकलेंगे, अभी झाड़ा लेना शुरू किया जाए तो बीड़ी भी निकलेंगे दो चार के। तो
आगे सर।